ये कहानी है एक ब्रदर और सिस्टर की, जो कि एक दूर दराज इलाके में अपने फादर के साथ रहते हैं। शहर से बहुत दूर होने की वजह से वो दोनों बहुत अकेला फील करते हैं और एक डार्क रिलेशनशिप को अंजाम देते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है ब्यूटीफुल कैट, जो 2009 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम नेड को देखते है। उसके साथ उसकी वाइफ टोनी भी थी। नेड एक राइटर था और वो अपने फार्म हाउस पर जा रहा है क्योंकि उसके डैड बहुत बीमार है। घर पहुंचकर वो सैली से मिलता है, जो कि नेड की छोटी सिस्टर थी। नेड को देखकर सैली बहुत खुश हो जाती है क्योंकि आज वो 20 साल के बाद लौटा था। सैली नेड से कहती है कि तुम डैड से कल मिल लेना क्योंकि अभी वो सो रहे हैं। इसके बाद वो उन दोनों को कमरा दिखाती है। यहाँ टोनी को पता चलता है कि नेड का एक भाई भी है जिसका नाम क्लिफ था। अब रात को सोते टाइम नेड को एक परफ्यूम मिलता है। वो जैसे ही उसे खोल के उसकी स्मेल लेता है तो उसे तुरंत उसकी जुड़वा सिस्टर कैट की याद आने लगती है और हम नेड का बीता हुआ पास्ट देख पाते हैं, जहां में पता चलता है कि नेड और कैट का कुछ ज्यादा ही क्लोज रिलेशनशिप था। इसके बाद हम नेड और कैट को खपाखप करते देखते है। अगली सुबह नेड अपने फादर ब्रूस से मिलता है जो की बीमार थे। यहाँ टोनी को कैट की तस्वीर मिलती है और वो ब्रूस से पूछती है कि ये कौन है, तो ब्रूस कहता है कि वो मेरी बेटी है। तभी नेड बाहर चला जाता है जहां उसे फिर से कैट की याद आने लगती है कि वो और कैट कैसे वक्त बिताते थे। सैली नेड को बताती है कि मैंने तुम्हें यहां नहीं बुलाया, दरअसल डैड तुमसे मिलना चाहते थे, इसलिए उनसे अच्छी तरह से बात करो। बातों बातों में हमें पता चलता है कि ब्रूट कैट से बहुत प्यार करते थे और आज भी वो उसे उतना ही प्यार करते है। यहाँ टोनी एल्बम देख रही थी तब वो ब्रूस से पूछती है कि क्या कैट भी यहाँ आ रही है। तब ब्रूस कहता है कि वो और क्लिफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब नेड और टोनी बाहर घूमने जाते हैं। जब नेड और टोनी बाहर घूम रहे थे तब टोनी नेड से पूछती है कि उनकी डेथ कैसे हुई, तो टोनी कहता है कि एक कार एक्सीडेंट में। अब यहाँ आने के बाद नेड की रातों की नींद उड़ गई थी, उसे कैट की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो उनकी यादों को एक बुक में लिखने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ टोनी इस जगह से बहुत बोर हो गई थी, ये बस एक बंजर था, तो नेड उसे खुश करने के लिए एक झूले में बिठाता है। तब उसे कैट की याद आने लगती है और अनजाने में वो उसे नीचे गिरा देता है, जिस वजह से टोनी और भी गुस्सा हो जाती है। अब इसके बाद टोनी बहुत ही अकेला फील करने लगती है क्योंकि नेड अपना ज्यादातर टाइम बुक लिखने में ही बिताता था। तब एक बार वो उसे मनाने के लिए और उसे खुश करने के लिए अपने कपड़े उतार कर उसके साथ खपाखप करने लगता है, पर टोनी पहले से ही नेड पर गुस्सा थी इसलिए वो चिल्लाने लगती है, जिस वजह से नेड उस पर गुस्सा हो जाता है। अब ब्रूस की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, जिस वजह से वो अब ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, तो टोनी अब उनका ख्याल रखने लगी थी। एक दिन जब नेड बाथरूम में फ्रेश होने जाता है तब उसे याद आता है कि कैसे वो एक बार बाथरूम में चला गया था जब कैट बिना कपड़ों के फ्रेश हो रही थी। तब कैट उस पर गुस्सा हो गई थी। जब वो बाहर आती है तब वो नेड से कहती है कि वो यहाँ बहुत अकेला फील करती है। ये कहकर वो रोने लगती है तो नेड उसे सहारा देता है, लेकिन गलती से नेड का बून मेरो कैट के हाथ पर गिर जाता है, जिस वजह से कैट गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। एक दिन नेड देखता है कि टोनी उसकी बुक पढ़ रही है। अब उसे पहले कि वो कुछ कर पाता, टोनी को पता चल जाता है कि नेड और कैट के बीच गपागप वाले रिलेशनशिप थे। अब इस वजह से उन दोनों के बीच बहस हो जाती है, जिसे नेड टोनी को एक थप्पड़ मारता है, तो टोनी और भी गुस्सा हो जाती है और कार लेकर वहां से भाग जाती है। नेड उसे रोकने के लिए उसका पीछा करता है पर वो नहीं रुकती। टोनी के चले जाने के बाद वो बहुत ड्रिंक करता है पर उसकी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, और हम नेड और कैट के बीच बिताए हुए लम्हे को देखते हैं। दरअसल ये लोग बस्ती से बहुत दूर रहते थे। जब ये बड़े हुए तब वो बहुत अकेला फील करने लगे, जिस वजह से कैट और नेड एक दूसरे को टच करने लगे, पर उन्होंने कभी भी गपागप नहीं किया था। एक बार नेड को याद आता है कि जब एक रात उसने बहुत ड्रिंक की थी तब उसके सर पे चोट लगी थी, तो वो पास के तालाब में स्विमिंग करने जाता है। तभी उसके पीछे कैट भी आती है और वो भी नेड के साथ स्विमिंग करने लग जाती है। तब नेड कैट से उस दिन के लिए माफी मांगता है। तब कैट कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने आज तक किसी लड़के को किस तक नहीं किया और उस दिन जो हुआ मुझे काफी अच्छा लगा। अब इसके बाद कैट नेड को सेड्यूस करने लगती है, वो उसे किस करती है और तालाब के बाहर जाके वो दोनों खपाखप करते हैं। पर खपाखप करने के बाद नेड को काफी गिल्टी फील होता है, पर कैट इस बात पर बेफिक्र रहती है, नेड से जो हुआ
वो सब नशे में हुआ था। अगर वो होश में होता तो वो ऐसा कभी भी नहीं करता। अब अगले दिन कैट नेड को अपने साथ चलने को कहती है। नेड उसके साथ जाना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी वो जाता है। वहां जाके कैट नेड से कहती है कि आज रात हम फिर से स्विमिंग करने जाएंगे। नेड के मना करने के बाद भी वो जिद कर रही थी। इस वजह से दोनों में झगड़ा हो जाता है और नेड इस बार साफ मना कर देता है। इसके बाद नेड अपनी बहन सैली के साथ खेल रहा था, तभी वहाँ कैट आती है और वो नेड से कहती है कि तुम्हें क्लिफ बुला रहा है। इस बात से नेड एकदम से डर जाता है। उसे डर था कि कहीं कैट ने उन दोनों के बीच जो हुआ वो क्लिफ को बताना दिया हो। वो कैट से पूछता है कि तुमने क्लिफ को हमारे बारे में क्या बताया, पर कैट उस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती। तो नेड क्लिफ के पास जाता है। क्लिफ पूछता है कि तुम कैट के साथ क्या कर रहे थे। इस सवाल पर नेड गुस्सा हो जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर कैट ब्रूस को आवाज लगाती है। ब्रूस आता है और इन दोनों को शांत करता है। कैट कहती है कि इसमें नेड की गलती है। ये सुनकर ब्रूस नेड को एक पनिशमेंट देता है कि उसे कैट को एक क्रिसमस पार्टी में ले जाना होगा। तो नेड को ना चाहते हुए भी ये करना पड़ता है। अब वो उसे पार्टी में ले जाता है जहाँ कैट नेड के लिए प्यार जताती है। वो कहती है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, मुझे यहाँ मजा नहीं आ रहा। तो नेड कहता है कि हाँ चलो घर चलते हैं। तब कैट साफ मना कर देती है और कहती है कि घर नहीं, कहीं और चलते हैं। यहाँ नेड उसके इरादे समझ रहा था, इसलिए वो मना कर देता है और एक दूसरी लड़की को किस करता है, जिसे देखकर कैट रोने लगती है और क्लिफ के साथ घर चली जाती है। यहाँ नेड उस लड़की के साथ गपागप करता है और इसके बाद वो घर की तरफ निकलता है, जहाँ रास्ते में वो क्लिफ की कार को देखता है जिनका एक्सीडेंट हो गया था। नेड देखता है कि कैट मर चुकी है। इस एक्सीडेंट से नेड पूरी तरह से टूट जाता है। पास की फैक्ट्री में उसे क्लिफ की लाश भी मिलती है, जिसने खुदकुशी कर ली थी। नेड को आज भी इस बात का पछतावा होता है कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से कैट का एक्सीडेंट हुआ। एक बार सैली नेड से कहती है कि तुमने नेड को तुम्हारे और कैट के बारे में बता तो नहीं दिया। तब नेड ऐसा बिहेवियर करता है जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन सैली कहती है कि नेड को सब पता है। वो कहती है कि नेड ने तुम दोनों को देख लिया था जब वो रात को तालाब में स्विमिंग कर रहे थे। अब नेड ब्रूस से माफी मांगता है कि मैंने ही उस दिन कैट को अकेला छोड़ दिया था। फिर एक सुबह उसे पता चलता है कि ब्रूस अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब धीरे धीरे नेड उन सभी यादों को मिटा देता है जो उसने अपनी बुक में लिखी थी। इस मूवी की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। सैली का मानना था कि क्लिफ और कैट के बीच रिलेशन था, इस वजह से वो अनुमान लगाती है कि शायद वो कार में खपाखप कर रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसे कैट की मौत हो गई, जिसे देखकर क्लिफ ने भी फांसी लगा ली। उनके बीच कुछ तो हुआ था क्योंकि उन्हें पार्टी से घर आने में इतना टाइम क्यों लगा।